الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کر بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے متعلق خوشخبریاں پاتے ہیں اور یہ خوشخبریاں بھی پاتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے یعنی وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں پس ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے پاکستان میں خاص طور پر اور ان کے اثر کے تحت بعض دوسرے ممالک میں ملا اور حکومت سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف قانون بنا کر
उनको शहरी हकूक से महरूम करके उनके लिए हकूक इंसानी के हर कानून को पसे पुश डाल कर उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाकर अहमदियों को कत्ल करने की हर एक को खुली छुट्टी देकर ये लोग अहमदियत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये इनकी भूल है। अहमदियत खुदा ताला के हाथ का लगाया हुआ वो पौधा है जिसको कोई इंसानी कोशिश ख़त्म नहीं कर सकती, जिसके फलने फूलने की खुदा ताला ने खुशखबरी दी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है कि बुशरा लका अहमदी अंता मुरादी व माई वरस्तो लका कुदरती बेयदी, कि ऐ मेरे अहमद तुझे बिशारत हो, तू मेरी मुराद है और मेरे साथ है, मैंने अपने हाथ से तेरा दरख्त लगाया है। बस ये जमात को ख़त्म करने की इंसानी कोशिशें तो बेशक हैं और रहेंगी, लेकिन इन कोशिशों से जमात अहमदिया ख़त्म नहीं हो सकती। जब यह इल्हाम हुआ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, उस वक्त आपके इर्द गिर्द चंद एक लोग थे जिन्होंने आपकी बैत का शर्फ हासिल किया था। आज अल्लाह ताला के वादे को पूरा होते हुए हम किस शान से देख रहे हैं कि जमात अहमदिया दुनिया के 200 ममालिक तक फैल चुकी है। मुखलसीन की ऐसी जमातें कायम हो चुकी हैं कि जिनको देखकर हैरत होती है। क्या उस इब्तदाई ज़माने से लेकर आज तक की तरक्की बावजूद मुखालफीन की तमाम तर कोशिशों, जिनमें हुकूमतों का भी किरदार है, इंसानी कोशिशों से हो सकती है? यही एक बात अहमदियत की सच्चाई के लिए काफ़ी होनी चाहिए। अगर किसी में अक्ल और आँखों पर तसव की पट्टी ना बंधी हो, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को बयान किया है कि बाज़ लोग उठते हैं और कह देते हैं कि हमें खुदा ताला ने बताया है ख्वाब में, या ये हमें इल्हाम हुआ है कि मिर्ज़ा साहब झूठे हैं। बल्कि गैर मज़हब वालों की मिसालें भी दी हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, कि वो भी कहते हैं कि हमें खुदा ताला ने बताया है कि उनका मज़हब सच्चा है और इस्लाम नाउज़ु बिल्लाह झूठा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बैत की है और वो इस बात की गवाही देते हैं कि हमें खुदा ताला ने बताया है, हमारी रहनुमाई फरमाई है कि इस शख्स का मसीह मौऊद होने का दावा सच्चा है। बल्कि आज भी सैकड़ों बैतें ख्वाबों में रहनुमाई के ज़रिए हो रही हैं और इस ज़माने में हम उसके खुद गवाह हैं। कई वाक़यात में पेश कर चुका हूँ, बल्कि शायद इस वक्त ही मेरे सामने बहुत ऐसे लोग बैठे हों जिनकी अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई कि खुदा तो कई नहीं हो सकते कि किसी को कुछ बता रहा हो खुदा और किसी को कुछ बता रहा हो। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ रंग में रहनुमाई कर रहा हो, इसका एक मयार है अगर कोई उस पर परखना चाहे तो परखना चाहिए, और यही एक मयार है। और फरमाया कि मैं बताता हूँ कि वो मयार क्या है, कि ये देखो कि अल्लाह ताला का फेल क्या कहता है। ख्वाबें तो उसने भी देख ली, उसने भी देख ली, ये देखो कि अल्लाह ताला का फेल क्या कहता है। जब ये देखोगे तो जमात की तरक्की ये बताती है कि अल्लाह ताला की फेली शहादत जमात अहमदिया के साथ है। आज खिलाफत के हाथ पर
जमात अहमदिया का जमा होना एक बहुत बड़ी फैली शहादत है अल्लाह ताला की। बेनफ्स होकर जान माल वक्त की कुर्बानी देना, जिसको सब गैर मानते हैं, क्या उनके लिए ये सब कुछ अल्लाह ताला की फैली शहादत नहीं है? जिसने दिलों को मज़बूत बांध कर एक जगह जमा करके इन कुर्बानियों पर बावजूद दुनिया के जुल्म सहते चले जाने के आमादा किया हुआ है। बस जमात की ताकत और इसका फैलना और तरक्की करना मुखालफीन की कोशिशों से नहीं रुक सकता। हर जान जो अहमदियत की खातिर, कलमा तैयबा की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की खातिर, खुदा ताला और सिर्फ खुदा ताला का अब्द बनने की खातिर कुर्बान हो रही होती है, वो इस बात का ऐलान कर रही होती है कि तुम्हारे मकर और तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारी ज़्यादतियाँ जमात अहमदिया की तरक्की को रोक नहीं सकती। जमात अहमदिया की तारीख में हज़रत मौलवी अब्दुर्रहमान खान साहब शहीद और हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल्लतीफ़ साहब शहीद की शहादत से जान की कुर्बानियों की इब्तिदा हुई और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत साहिबज़ादा साहब की शहादत का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि शहीद मरहूम ने मर कर मेरी जमात को एक नमूना दिया और दर हकीकत मेरी जमात एक बड़े नमूने की मोहताज थी। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी के ज़िक्र में आ गए कि खुदा ताला का हज़ार हज़ार शुक्र है कि ऐसे भी हैं, यानी अफराद जमात में से, कि वो सच्चे दिल से ईमान लाए और सच्चे दिल से इस तरफ को इख्तियार किया और इस राह के लिए हर एक दुख उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस नमूने पर जो नमूना इस जवान मर्द यानी साहिबज़ादा साहब ने ज़ाहिर कर दिया, अभी तक वो कुव्वतें इस जमात की मख्फी हैं। फरमाया खुदा सब को वो ईमान सिखावे और वो इस्तकामत बख्शे जिसका इस शहीद मरहूम ने नमूना पेश किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस दुआ को, जो आखिरी फ़िक्रे में है, कबूलियत अता फरमाई और वो इस्तकामत बख्शी बौसों को, जिससे उन्होंने अपनी जानों के नजराने वक्त आने पर पेश किए। उन पहले शहदा की कुर्बानियों के तसलसल को पाकिस्तान के अहमदियों ने सबसे ज़्यादा जारी रखा और सैकड़ों में अपनी कुर्बानियाँ पेश की। हर शहीद ने ईमानी हरारत और इस्तकामत का मुजाहरा किया। हर शहीद अहमदियत का अपना अपना एक रंग है जिसके साथ उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसमें इंडोनेशिया के शहीद भी शामिल हैं, हिंदुस्तान के भी और दूसरे ममालिक के भी, लेकिन बाज़ नुमायाँ हो जाते हैं। उन्नीस सौ चौहत्तर में 30-35 अहमदी जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो फसादात हुए थे उनमें शहीद किए गए थे, लेकिन बाज़ ऐसी हालत में शहीद हुए कि उन्हें अज़ियत दे देकर शहीद किया गया। बाप और बेटे को शहीद किया गया, बाप के सामने बेटे को अज़ियत दी जाती थी, बेटे के सामने बाप को अहमदियत से तायब होते अज़ियत देकर ये कहा जाता था कि अहमदियत से तायब होते हो या नहीं,
और ये सब कुछ सिर्फ लोग नहीं कर रहे थे बल्कि वहाँ की पुलिस भी सामने खड़ी तमाशा देख रही होती थी। इंडोनेशिया में सरेआम पुलिस की निगरानी में दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पुलिस और रियासती करिंदों की निगरानी में अजियत दे देकर अहमदियों को शहीद किया गया। लेकिन ईमान की हिफाजत करने वालों और इस्तेकामत के पुतलों ने अपने जिस्म के रुएं रुएं पर ज़ख्म खा लिया, एक एक इंच पर ज़ख्म खा लिया, लेकिन ईमान को ज़ाया नहीं होने दिया। बस चाहे ये पाकिस्तान का कानून हो या इंडोनेशिया का या किसी भी और मुल्क का, अहमदियों की जिंदगियों को तो छीन सकता है लेकिन उनकी वफाओं को नहीं छीन सकता। अब सुना है मलेशिया में भी एक नए कानून के ज़रिए, मलेशिया भी इस कानून के ज़रिए इस सफ में आ रहा है, बल्कि आ चुका है, उन्होंने भी एक नया कानून बनाया है जो ज़ाहिर हो रहा है, ये भी आज़मा के देख लें। लेकिन ये याद रखें कि जब खुदा की तकदीर अपना काम शुरू करेगी तो हिसाब चुकाना मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई मुल्ला और कोई कानून इनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये नामनिहाद उलमा जो रहमतुल आलमीन के नाम को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं, मुजरमों के कटहरे में सबसे पहले खड़े किए जाएंगे और अहमदियों का ईमान और सब्र और इस्तेकामत एक शान के साथ चमक रहा होगा। बस अहमदियों को इस बात की फिक्र नहीं, उन्हें पता है कि अंजाम कार उन्हीं की फतह है। कुर्बानियां तो कौमें देती हैं, वो भी दे रहे हैं, लेकिन इन कुर्बानियों का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल है। इसलिए ये जो कुर्बानियाँ अहमदी दे रहे हैं, देते रहे हैं और अब भी दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे, ये कोई बिला मकसद मामूली कुर्बानियाँ नहीं। जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम हो रही हैं। हुकूमत के अरबाब हर लोग चाहे कहते रहें, लेकिन रियासती कारिंदे अपने ज़ेरे साया दहशतगर्दी आज भी कर रहे हैं। इन कारिंदों की दहशतगर्दी आज भी अहमदियों को ज़ुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रही है। गुज़श्ता दिनों रबवा के पुलिस एहलकारों ने, जिनमें थाना इंचार्ज और उसके असिस्टेंट शामिल थे और एक इतला के मुताबिक उससे बड़े अफसर भी, हमारे एक इंतहाई मुखलिस और फिदाई अहमदी को एक माह के करीब बग़ैर किसी किस्म के केस रजिस्टर किए थाने में रखा और फिर किसी नामालूम जगह ले जाकर 8-10 दिन तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये मुखलिस फिदाई अहमदी, जिनका नाम अब्दुल कुदूस था, सब्र इस्तेकामत से ये टॉर्चर और अजियत बर्दाश्त करते हुए अपने खुदा के हुजूर हाज़िर हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन्होंने तो ये शहादत का रुतबा पा लिया। इस वाक़े की तफसील इस तरह पे है कि रबा के मोहल्ला नुसरतबाद के रिहायशी एक शख्स अहमद यूसुफ स्टाम्प फरोश, जो अदालत के बाहर स्टैम्प पेपर बेचने वाले थे, उनका 4-5 अक्टूबर को दरमानी रात को किसी ने कत्ल कर दिया और पुलिस ने फिर मकतूल के बेटे के
کہنے پر اس کے ایما پر مختلف احباب کو مختلف اوقات میں شک کی بنا پر گرفتار کر کے شامل تفتیش رکھا، اور بعد میں ان تمام احباب کو جن کو پکڑا گیا تھا بے گناہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اسی سلسلے میں وہ مدعی تھا مقتول کا بیٹا، اس کی طرف سے ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کا نام بھی لیا گیا، جس پر پولیس نے انہیں بھی تھانے بلا کر پکڑ لیا۔ یہ محلے نصرت آباد کے صدر جماعت تھے۔ اس کے بعد مدعی نے ماسٹر عبدالقدوس صاحب، جس کو جیسا کہ میں نے کہا صدر محلہ تھے، ان کو اس کیس میں نامزد کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ پھر درخواست دی، ڈی پی او کی درخواست دی تحریری، پولیس نے ماسٹر صاحب کو 10 فروری کو مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں آ کے گرفتار کر لیا۔ لیکن پکڑ کے تو لے گئی، باقاعدہ جو پرچہ کاٹا جاتا ہے گرفتاری ڈالی جاتی ہے وہ نہیں ڈالی۔ رابطہ کرنے پر پولیس والوں نے یہی کہا اور مسلسل یہی کہتے رہے کہ یہ بھی بے گناہ ہے، ہم جانتے ہیں، بڑے افسران سب یہی کہتے رہے کہ جلد ہی معاملہ کلیئر ہو جائے گا، بس مجبوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس لیے ہم نے پکڑا ہوا۔ اسی دوران 17 مارچ کو ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو پولیس نے تھانہ ربہ سے کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا، اور ماسٹر صاحب کو کچھ معلوم نہ پہنچ گیا کہاں رکھا گیا۔ ان کو غائب کرنے کے کوئی 10 دن کے بعد 26 مارچ کو پولیس نے تھانے میں واپس لے آئی، اور ماسٹر صاحب کے ایک دوست کو فون کر کے کہا کہ اپنا بندہ آ کے لے جاؤ، اپنے آدمی کو لے جاؤ آ کے۔ جس پر وہ دوست وہاں گئے تو ماسٹر صاحب نے انہیں کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں، جس پر پولیس نے اس دوست سے ایک سادہ کاغذ پر دستخط بھی لے لیے کہ میں واپس لے کے جا رہا ہوں، اور ماسٹر صاحب کو ان کے حوالے کر دیا۔ کیونکہ ماسٹر صاحب عبدالقدوس صاحب کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دوست انہیں فوری طور پر وہاں سے اسپتال لے گئے، جہاں جا کے پھر پتہ لگا کہ بھلی پولیس نے غائب کرنے کے ابتدائی 2-3 دن میں ماسٹر صاحب پر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہیں پخانے میں بھی خون آتا رہا، خون کی الٹیاں بھی آتی رہیں، اسی طرح ان کے گردوں پر بھی کافی اثر ہوا۔ ماسٹر صاحب نے ملاقات کے دوران بتایا کہ 17 مارچ کو رات کے اندھیرے میں، ویسے ہوش میں تھے لیکن اندرونی طور پہ انتہائی شدید چوٹیں لگی تھیں، اندھیرے میں انہیں کچھ پولیس اہلکار تھانہ ربہ سے 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو کے فاصلے پر لے گئے، کچی سڑکیں ہیں وہاں، وقت زیادہ لگتا ہے تھوڑا فاصلہ بھی ہو تو، ایک نامعلوم مقام پر لے گئے، بالکل ویران جگہ تھی، انتہائی تشدد کیا۔ پولیس والے انہیں مار مار کے یہ کہتے رہے کہ کسی عہدے دار کا نام بتاؤ جو اس قتل میں ملوث ہے، تم بھی عہدے دار ہو، نام بتا دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، اور ایک کاغذ پر دستخط کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان عہدے داروں میں بعض ناظران کے نام بھی انہوں نے لیے، اوروں کے نام بھی۔ اس پر ماسٹر صاحب نے دستخط نہیں کیے، تو پولیس والوں کا کہنا تھا، یہ جب مارتے تھے، یہ تشدد کرتے تھے، کہ پہلی بار کوئی جماعتی عہدے دار ہاتھ لگائے، پہلے تو یہ چھوٹ جایا کرتے تھے اور پھر تشدد شروع کرتے تھے۔ پھر اس دوران میں تشدد کرتے ہوئے یہ اہلکار جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کے نام لے کر جماعت کے خلاف بھی شدید بدزبانی کرتے رہے۔ تشدد کے نتیجے میں ماسٹر عبدالقدوس صاحب کی حالت بہت خراب ہو گئی، خون کی الٹیاں، اور جیسے میں بتایا، جس پر پولیس والوں نے تشدد روک دیا، انہیں کچھ دوائیاں وغیرہ دیں۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو پولیس انہیں پھر تھانے واپس لے آئی اور اس کے دوست کے حوالے کر دی۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو ہسپتال میں داخل کر کے آئی سی یو میں فضل عمر ہسپتال میں رکھا گیا، مسلسل خون کی بوتلیں لگائی گئیں۔ شہادت سے ایک روز قبل 29 مارچ کو
एक दो रोज़ के वक्फे के बाद कुछ उल्टियाँ रुक गई थी इनकी, दोबारा खून की उल्टियाँ आईं और दोबारा उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, फेफड़े भी मुतासर हो गए, जिसकी वजह से 30 मार्च को जुमे को गुज़श्ता जुमे को बेहोश हो गए और उसी हालत में उनकी वफात हो गई। ताहिर हार्ट में भी इनको शिफ्ट किया गया था, उस वफात से पहले डायलिसिस का भी प्रोग्राम था, तैयारी हो रही थी, लेकिन बहरहाल ये पुलिस के जो तशद्दुद था उसके अंदरूनी चोटों की वजह से ये जान भर ना हो सके और शहादत कर तो पाया था। इसकी मज़ीद तफसील उनके बरदर नस्पति ने लिखी है। वो कहते हैं कि ये 17 मार्च को उन पुलिस को जो उन्होंने उनको बताया, इनके पास अस्पताल में रहते रहे थे, कि 17 मार्च को वहाँ एक जगह है झंगड़ गलोत्रा रब्बा के पास चिन्नौर से आगे जाके, वहाँ ये उनको ले गए और शदीद ज़ालमाना तशद्दुद किया। ये लिखते हैं कि मास्टर अब्दुल कुदूस साहब ने उनको बताया कि लिखते हैं, अगर सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ बड़े वसूख से बता रहा हूँ, मुझे उन्होंने ख़ुद बताई हैं। अमजद बाजवा साहब के साथ पैदल चल के पुलिस थाने से ये बाहर आए, उसके बाद हम रास्ते में उनको अस्पताल ले गए, तो रास्ते में वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत तशद्दुद हुआ है और इतना तशद्दुद के खौफनाक था। और उस ये भी बताया कि थानेदार और तफ्तीशी अफसर जो था वो इस तशद्दुद में शामिल थे, चिन्नौर से पिंडी भटिया रोड पर ले गए, फिर हरसा शेख से आगे दरिया की तरफ ले गए। दरिया के अंदर ही कोई रास्ता निकलता था झंगड़ गलोत्रा जिस तरह का मैंने बताया, वहाँ ले गए और वहाँ जाके मुझे पुलिस चौकी जो थी वहाँ वालात में बंद कर दिया, और उसके बाद वहाँ से कुछ देर बाद निकाला तो कुर्सियों पर दायरे, जब मैं बाहर आया तो कुर्सियों पर दायरे की सूरत में रब्बा का थानेदार, तफ्तीशी अफसर वहाँ का लोकल थानेदार और DSP भी जो थे मौजूद थे, एक कुर्सियों पर बैठे हुए दायरे की शक्ल में, और उनके हाथ में एक कागज़ था कि ये तुम्हारा बयान है, इस पर दस्तखत कर दो। तो मैंने इससे कहा, जैसा कि मैंने बताया कि रब्बा की मरकज़ी अंजुमन और सदर मुमी वगैरह के ख़िलाफ़ बयान था, तो मैंने कहा ये गलत बयान नहीं है, मैं क्यों करूं? कि उसमें ये बयान था कि जो कत्ल हुआ है उसमें ये लोग मुलव्वस हैं और उन्होंने ये करवाया, अगर तुम ये कर दो दस्तखत तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कहते मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि मेरा बयान ही नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है, मैं किस तरह कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे धमकियाँ दी कि खुद दस्तखत कर दो तो बच जाओगे, वरना हम तो तुमसे उगलवा लेंगे। तो मास्टर साहब बयान करते हैं कि मेरे दो दफ़ा इनकार के बाद साथ खड़े हुए दो हटे कटे लोगों ने मुझे गिरा लिया और मारना शुरू कर दिया। इसके बाद मुसलसल मुझ पर तशद्दुद करते रहे और अपना मुतालबा दोहराते रहे, और मुख्तलिफ तरीके थे तशद्दुद के, ये बाज़ लफ्ज़ इन्होंने लिखे हुए हैं, रस्सा लगाना, मंजी लगाना या सरिया लगाना, रूला फेरना, ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल लिटा के रोला फेरना जो है वो लकड़ी का एक रोलर होता है, वो बड़ा सारा और काफ़ी वज़नी, वो जिस्म पर फेरा जाता है, और इसी तरह रस्सा बांध दिया, उसको रस्सा बांध के घसीटते रहे। इसके अलावा मुसलसल जगाए रखा और जब आँख बंद होने लगती मुझे हवालात से बाहर निकाल कर मारना शुरू कर देते। वहाँ एक बदमाश नामी ग्रामीण था और नामी डाकू और चोर, उसको कहते हैं वो भी साथ था, उसको अगर जो मारते थे वो पुलिस का एक छत्र होता है चमड़े का एक बहुत सारा, उसको लगा के मारते हैं, उसको अगर 5 मारते थे तो मास्टर साहब कहते हैं मुझे 25 मारते थे। एक दफ़ा तबीयत ख़राब हुई तो फिर हरसा शेख वहाँ करीब एक गाँव है वहाँ ले गए, वहाँ से कुछ इंजेक्शन लगवाए, कुछ दवाइयाँ दी, फिर संभली तबीयत,
तो फिर तशद्दुद करने लग गए और ये सब थानेदार वगैरह इस बीच में शामिल थे, गलीज गालियाँ भी निकालते रहे, कहते थे अब लंदन से बुलवाओ जो तुम्हारे बड़े हैं उनको, क्या वो तुम्हें छुड़ा लें, रवा से बुलाओ, फिर बुज़ुर्गों को गलीज गालियाँ देते थे। बड़ी तकलीफ़ होती थी मुझे, कहते हैं गालियाँ सुन के, मार तो बर्दाश्त हो रही थी लेकिन गालियाँ सुनना मुश्किल था। खाना भी कभी कभार देते थे। उन्होंने बताया कि तशद्दुद, ऐसा तशद्दुद और ज़ुल्म कभी नहीं मैंने सुना और ना कभी देखा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बर्दाश्त कर सकता। मैं दुआएं करता था कि अल्लाह ताला मुझे तशद्दुद सहने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, और अल्लाह ताला ने फिर अपने फ़ज़ल से हिम्मत दी उसको बर्दाश्त कर सके। वो मैं सदर उमी साहब ने मुझे लिखा कि मैंने उनको कहा कि इतना कुछ तशद्दुद किया उन्होंने, कुछ तो आपसे लिखवा लिया होगा। कहते हैं कि वो बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने उनको कहा कि वो तो मुझसे एक नुक्ता भी नहीं डलवा सके। बस ये है ईमान को सलामत रखने वाले और सच्चाई पर कायम रहने वाले की कहानी। इस अज़्म और हिम्मत के पैकर ने जान दे दी मगर झूठी गवाही नहीं दी। अल्लाह ताला ने झूठ को भी शिर्क के बराबर करार दिया। बस इस अजीम शहीद ने हमें जहाँ बहुत से सबक दिए वहाँ ये सबक भी दिया जो जमात अहमदिया की क़याम की बुनियादी गरज है, कि तौहीद के क़याम के लिए अपनी जान की भी कुछ परवाह नहीं करनी, क्योंकि झूठ भी शिर्क के बराबर है और शिर्क नहीं हो सकता हमारे से। शहीद मरहूम ने अपने अहद बैत को भी निभाया और ख़ूब निभाया। शहीद मरहूम अगर अज़ियत की वजह से पुलिस की मनपसंद स्टेटमेंट दे देते जैसा कि बताते रहे हैं, तो इसके नतायज जमात के लिए मजमूई तौर पर भी बहुत ख़तरनाक हो सकते थे। जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर शहीद को आलाकार बनाना चाहा था, वो तो एक नाम नहाद तंजीम या दहशतगर्द तंजीम ने बनाया था, लेकिन यहाँ तो पुलिस ने बनाना चाहा। और ये भी बईद नहीं, क्योंकि ज़िले के जो बड़े पुलिस अफसरान हैं वो इस जुल्म से का इनकार ही कर रहे हैं और अपनी मासूमियत ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनको बाईपास करके छोटे अफसरान के ज़रिए से हुकूमती लेवल पर ऊपर से कोई हुक्म आते रहे हों। आला हुकाम बाज़ दफ़ा हदायत देते रहते हैं, और जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में ज़िया साहब खुद थानेदार को फ़ोन कर सकते थे, तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है जहाँ सूबाई हुकूमत भी हमारे ख़िलाफ़ है। अब जब इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ पर्चे की हुकूमत पर्चे की कोशिश हो रही है, तो हुकाम बाला की तरफ से सुलह सफाई का दबाव भी डाला जा रहा है कि सुलह कर लो। गो पाकिस्तान में मुजरम जो हैं वही साहिब इख्तदार भी हैं और इंसाफ़ की उम्मीद बज़ाहिर नहीं है, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए जमात तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रही है और इंशाल्लाह करेगी। बहरहाल अगर ये अपनी पसंद की किसी किस्म की तहरीर जो पुलिस की पसंद की थी उस पर दस्तखत कर देते तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था। कत्ल के झूठे मुकदमे में जैसा कि उन्होंने बताया मरकज़ी अहदेदारान को गिरफ़्तार करना था, मरकज़ी दफातर पर पाबंदी हो सकती थी, जमात की तालीम और कोशिशों को कि हम अमन पसंद जमात हैं बदनाम करने की कोशिश हो सकती थी, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं हो सकती थी जिन पर जिनसे जमात को नुकसान पहुँचता, ना सिर्फ मुल्की तौर पर बल्कि बैन अल-अक़वामी तौर पर भी। बहरहाल इन्होंने एक मकर करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसे मुखलिस के ज़रिए जो इंतहाई नरम दिल आम ज़िंदगी में था, जिसको इस किस्म की सख्तियों का तसव्वुर भी नहीं था, उसके ज़रिए से इनके मकर को तोड़ा, और वो इनके झूठों और मकरों के सामने एक मज़बूत चट्टान की तरह खड़ा हो गया और जमात पर आँच नहीं आने दी। बस ऐ कुद्दूस, हम तुझे सलाम करते हैं कि तूने अपने आप को
انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا, لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا. تو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا. بس ماسٹر عبد القدوس ایک عام شہید نہیں ہے, بلکہ شہداء میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. اس عارضی دنیا سے تو ایک دن رخصت ہونا ہے سب نے, لیکن خوش قسمت ہے ماسٹر عبد القدوس صاحب جن کو خدا تعالیٰ نے زندہ کہا ہے, اور وہ ایسے رزق پانے والے بن گئے ہیں جو دنیاوی رزقوں سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے. جس جماعت اور جس مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے اس کے بارے میں حقیقی خوشخبریوں کو پتہ تو انہیں اس جہان میں جا کر چلا ہوگا. شہید مرحوم ہمیں جو سبق دے گئے ہیں ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. بس جیسے بھی حالات گزر جائیں اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑنا, یہ سبق انہوں نے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا مضبوط تعلق ہے. یہ لوگ جو اپنے زوم میں احمدیوں کو گالیاں نکال کر حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نازیبہ الفاظ کہہ کر ہمارے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں, اذیتیں دے کر خوش ہوتے ہیں, ایک دن انشاءاللہ آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ ان میں سے ایک ایک سے حساب لے گا. شہید مرحوم احمدیوں کے لیے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں بالعموم, اور اہل روا کے لیے بالخصوص, یہ پیغام بھی چھوڑ کر گئے ہیں کہ قانون کا احترام اور حکومتی کارندوں کا احترام بے شک ہر احمدی کا فرض ہے, لیکن کسی بھی انسان سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا پولیس اہلکار ہو یا افسر ہو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. چاہے جو ظلم بھی وہ ہم پر روا رکھے, ایک احمدی کو اگر خوف ہونا چاہیے تو صرف ایک ہستی کا, اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات. پولیس اہلکاروں کا زور صرف قانون کا احترام کرنے والوں پر چلتا ہے. دہشت گردوں کے سامنے, ملا کے سامنے جس نے توڑ پھوڑ اور شدت پسندی کرنی ہے, جس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, جس نے ان کو آگے سے بموں سے اڑانا ہے, ان کے سامنے تو ان کی گھگی بن جاتی ہے. گزشتہ دنوں غیر از جماعت دوستوں سے جو مختلف طبقوں سے آئے ہوئے تھے, تعلق رکھنے والے تھے, ایک مجلس ہوئی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کی جماعت کی ایک خصوصیت ہے کہ ہر ایک نے عہد بیعت کیا ہوا ہے, اور جو آپ انہیں کہیں وہ مانتے ہیں اور ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کے حالات کے بدلنے میں آپ لوگ کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو انہوں نے میں نے بتایا کہ سیاسی نظام کا حصہ ہم نہیں بن سکتے, کیونکہ قانون احمدی کو کہتا ہے سیاست میں آنے کے لیے کہ پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم کہو, پھر جمہوری نظام کا حصہ بنو جس میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے, اور یہ ہم کبھی نہیں کریں گے, ہم کر نہیں سکتے. دوسرے سڑک پر اپنی طاقت کا اظہار ہے, یا شدت پسندی ہے, یا دہشت گردی ہے, ہم نے یہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ ہم قانون کے پابند لوگ ہیں, اور یہی ہم نے اس زمانے کے ہادی کو مان کر سیکھا ہے جو صحیح اسلامی تعلیم ہے, اس سے بھی ہم دور نہیں جا سکتے. بس حکومتی ادارے تو ان کا ساتھ دیتے ہیں جو شدت پسند ہیں, یا ان سے ڈرتے ہیں جو شدت پسند ہیں, جن کی سڑک کی طاقت ہے, جو سڑکوں پر آ جاتے ہیں. اسی طرح سیاستدان بھی انہی کی سنتے ہیں, تبھی تو احمدیوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی محروم کیا جاتا ہے.
जहाँ तक मैंने उनको कहा कि जहाँ तक बैत का ताल्लुक़ है, ये बैत ही तो है जिसकी वजह से खामोशी से अहमदी अपनी जान माल की कुर्बानियाँ देते चले जा रहे हैं और कोई कानून हाथ नहीं लेते। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब यही लोग अहमदियों की इज़्ज़त और एहतराम करने पर मजबूर होंगे। वो आज हमें जुल्मों का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन खुदा ताला के यहाँ अंधेर नहीं। हाँ, शायद कुछ देर और मोहलत उनको मिल जाए, बस सिर्फ खुदा ताला के आगे झुकें, उससे मदद तलब करें और अल्लाह ताला की गालिब तकदीर का इंतज़ार करें। अज़ीज़म कुदूस शहीद के मामले में बाज़ पुलिस अफसरान ने कहा तो है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ दबाव भी डाला जा रहा है। अल्लाह करे कि इनको इनकी इंसाफ की आंख रोशन हो जाए, अगर नहीं तो फिर अभी तो ये कहा जाता है कि जुल्म बर्बरियत गो हुकूमती अहलकारों ने किया है, लेकिन ये उन तक महदूद है और हुकूमत का या अफसरान का इसमें कोई दखल नहीं। जब ये शोर पड़ा तो अब ये कहने लग गए हैं, लेकिन अगर ये इंसाफ ना किया गया तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी हुकूमती मशीनरी इस हुकूमती दहशतगर्दी में शामिल थी। और फिर जैसा कि मैंने कहा, खुदा ताला के हाँ शायद देर तो हो, अंधेर नहीं है, और यकीनन ये लोग अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचेंगे। जमात को नुकसान पहुँचाने की जो इनकी हसरत और ख्वाहिश है, उसमें ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। जमात इंशाल्लाह ताला तरक्की करती चली जाएगी। अहमदियत का 200 ममालिक में फैल जाना इन्हीं जानी कुर्बानी करने वालों की कुर्बानियों का नतीजा है। बस अहमदियों को हर कुर्बानी के नतीजे में इस बात पर और ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए कि ये हमारी तरक्की के दिन करीब कर रही है। जितनी बड़ी कुर्बानी है, इतनी ज़्यादा जल्द अल्लाह ताला के फ़ज़लों की उम्मीद है। अल्लाह ताला के इस वादे को याद रखें। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और तुम कमज़ोरी ना दिखाओ और ना गम करो, और तुम ही बाला होगे अगर तुम मोमिन हो। बस अपने ईमानों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। बस हर शहादत, हर कुर्बानी हमारे ईमान में तरक्की का बायस बननी चाहिए, और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल किस तरह नाज़िल होते हैं। सब्र, हिम्मत और दुआ से काम लेते चले जाएं। बाद लोग मुझे लिख देते हैं कि सब्र और दुआ के अलावा भी कुछ करना चाहिए। मैं पहले ही बताता रहता हूँ और बता भी आया हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ कि सब्र और दुआ ही हमारे हथियार हैं। इसका सही इस्तेमाल हर अहमदी करे तो फिर देखें कि अल्लाह ताला के फजल किस तेज़ी से नाज़िल होते हैं। अभी भी अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में, हमारी दुआओं से और हमारी कोशिशों और हमारी दुआओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर फल हमें अता फरमा रहा है। बस कोई वजह नहीं कि हम मकमूम हों या बेदिल हों। बज़ाहिर दुश्मन के भी खौफनाक मंसूबे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहज़नू, गम न करो, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के मंसूबे हवा हो जाएंगे। दुश्मन की हसरत कभी पूरी नहीं होगी कि वो जमात को ख़त्म कर सके। हाँ, इन लोगों के कोने आहिस्ता आहिस्ता कटते रहेंगे और कट रहे हैं, और इनमें से ही सही फितरत जमात अहमदिया में शामिल होते चले जाएंगे। बस हर कुर्बानी हमें इस तरफ तवज्जो दिलाती है और दिलानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमसे हमारी अकलियत को अक्सरियत में बदलने के लिए एक और छलांग लगवाई है हर कुर्बानी जो है। और कुदूस शहीद जैसी कुर्बानियाँ तो सैकड़ों छलांगें लगवाने का बायस बनती है, और इंशाअल्लाह ताला बनेगी। हमारा रद्देमल ना मायूसी है ना शिद्दत पसंदी। हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किए गए अल्लाह ताला के वादों पर कामिल यकीन है।
بلکہ ہم پورا ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور دعا کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جانے کے لیے کہا ہے, اور پھر کامیابی مقدر ہونے کا وعدہ کیا. بس کون ہے جو ہمارے سے ہماری تقدیر کو چھین سکے, جس کا خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری بے صبری, ہمارے ایمان کی کمزوری ہم سے ان کامیابیوں کو دور نہ کر دیں جو مقدر ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ نے ملک کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے, اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھی, اور قربانیاں بھی دی ہیں. آج بھی ملک کو احمدیوں کی دعائیں ہی بچا رہی ہیں اور بچا سکتی ہیں. ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو جو انہوں نے ملک کے لیے دیں, ان دکھوں, تکلیفوں اور شہادتوں کی وجہ سے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس ان ظلموں کو ختم کرنے کا ایک ہی علاج ہے, اس ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے سے زیادہ خدا تعالیٰ کے حضور جھک کر اس کا فضل مانگیں. ہم مظلوم بننے کے ساتھ اگر تقوی, صبر, توکل, ثبات قدم, دعا اور استغفار سے پہلے سے بڑھ کر کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی فتح کے نظارے جل تر دیکھیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہم پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دین کے نام پر ظلم اور ہر قسم کے ظلم کو جل تر ختم ہوتا دیکھیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں, ہلاکت کا خوف ہوتا ہے, طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں. کوزیبو کے یہی معنی ہیں. دوسرے ان واقعات سے فائدہ ہے کہ کچوں اور پکوں کا امتحان ہو جاتا ہے, کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں ان کا قدم صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے, جب مصائب آئے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلاء نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا. خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلاء میں ڈالے, جیسا کہ فرماتا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی ہر ایک قسم کی مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے انعامات انہیں کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں. خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا. رنگ ریلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلاء میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. مثلا کسرا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا, اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو فتحنا لکا فتح مبینہ کی آواز کیسے سنائی دیتی. ہر ایک معجزہ ابتلاء سے وابستہ ہے. غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتحال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں, حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور عطا فرماتا چلا جائے, اور ہمیں فتح و نصرت کے نظارے بھی جلد دکھائے, ان قربانیوں کو قبول فرمائے, اور شہید مرحوم کے بھی درجات بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے. جمعہ کی نماز کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ سید کا میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. ان کے مختصر قوائف بھی بیان کر دیتا ہوں. ان کے والد کا نام میاں مبارک احمد صاحب ہے. ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا مکرم میاں احمد یار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہوا, جو فیروز والا گجرا والا کے رہنے والے تھے. انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور صحابی کہلائے. اسی طرح آپ کی پردادی محترمہ مہتاب بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صحابیہ تھیں. ماسٹر عبد القدوس صاحب شہید 1968 میں پیدا ہوئے, پیدائشی احمدی تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. شہادت کے وقت آپ کی عمر 43 سال تھی. آپ نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی, پھر پی ٹی سی کا کورس کیا اور ٹیچر لگ گئے.
मास्टर साहब शहीद की शादी 1997 में रूबीना कदूस साहिबा मैनू करो मास्टर बिशारत अहमद साहब अमीर पार गुजरांवाला से हुई। जैसा कि मैंने बताया कि आप स्कूल टीचर थे, तकरीबन 20 साल की सर्विस थी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे लेकिन रवा में दर शुमाली में पढ़ाते रहे। आपके साथी उसाज़ा के मुताबिक आपका शुमार नहायत मेहनती और दयानतदार उसाज़ा में होता था। मौला नुसरतबाद में रिहाइश से कबल मौला दारुल रहमत शर्की में रिहाइश पजीर थे। मौला दारुल रहमत शर्की में उन्हें अतफाल अहमदिया के दौर में मजलिस के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक मिली। पाँचवीं क्लास में ज़ेर तालीम थे जब से जमाती खिदमात बजा ला रहे थे। मजलिस खुदाम अहमदिया में बतौर मुंसिम अतफाल बाद 10 साल तक ज़ईम हल्का के अहदे पर फायद रहे। 1994 में नुसरतबाद शिफ्ट हुए, यहाँ भी फौरी तौर पर जमात के कामों में शामिल हो गए। मोहल्ला नुसरतबाद में ज़ईम हल्का और मोहल्ला और मजलिस सेहत के ज़ेर इंतज़ाम शोभा किश्ती रानी के इंचार्ज थे। किश्ती और स्विमिंग भी इनको बड़ी अच्छी आती थी। खिदमत की तौफीक पाई 2.5 साल कबल सदर मोहल्ला मुंतखब हो गए थे। बतौर सदर मोहल्ला बड़े आसन रंग में खिदमात पर जला रहे थे। आपके मोहल्ले के अहबाब के मुताबिक शहीद मरहूम बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक से पेश आने वाले और बुलंद हौसले के मालिक थे। इनके साथ अगर कोई शख्स सख्त लहजे में भी सख्त अल्फाज में बोलता तो इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे। अहदेदारों को भी याद रखना चाहिए यही रवैया अहदेदार हर अहदेदार का होना चाहिए। आपको मजलिस खुदाम अहमदिया के शोबा हिफाजत मरकज़ में भी एक लंबा अरसा खिदमत की तौफीक मिली। 2002 से शहादत तक हिफाजत मरकज़ के तहत उलूम बे के इंचार्ज रहे। तमाम ड्यूटी दहिंदगान और कारकुनान के साथ इंतहाई शफकत से पेश आया करते थे। उनके खाने पीने, अगर देर तक ड्यूटियाँ तो चाय वगैरह का इंतज़ाम खुद जाके पहुँचाना, खुदाम बड़े खुश थे इनसे। मास्टर अब्दुल कुदूस साहब शहीद नहायत अच्छे और खुश मिजाज तबीयत के मालिक थे। खिदमत-ए-खल्क का जुनून की हद तक शौक था। दरियाए चनाब में जब कभी कोई डूब जाता तो अहमदी या गैर अहमदी का फ़र्क किए बगैर उसकी नाश तलाश करने में अपने साथियों की निगरानी करते हुए दिन रात मेहनत करने लग जाते। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक के तलाश न कर लें नाश को। बचपन से वफात तक मुख्तलिफ जमाती अहदों पर कायम करने की साथ नसीब हुई। शहीद मरहूम इताअत व फरमाबरदारी का एक नमूना थे और जमाती अहदेदारान की इज़्ज़त व एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले थे। तालिब इल्मी के दौर से ही उन्हें वर्जिशी मुकाबला जात में हिस्सा लेने का बड़ा शौक़ था। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह के किश्ती रानी के अच्छे प्लेयर थे। लेकिन इनमें एक जिसे ड्यूटी देने के दौरान मैंने देखा है, मेरे साथ भी इन्होंने ड्यूटियाँ दी हैं, लेकिन कभी सामने आकर ड्यूटी देने का शौक़ नहीं था, कोई नामो नमूद नहीं थी। बढ़ बढ़ कर आगे आने के बाद उनको शौक़ होता है, बावजूद इंचार्ज होने के पीछे रहते थे, अपने मतहतों को आगे रखते थे। इनकी वालदा मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि जामिया में जाएं, लेकिन बहरहाल वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। तो मरहूम की अहलिया मोहतरमा ने बयान किया कि शहीद नहायत मिलनसार मोहब्बत करने वाले शाकिर हमदर्द और दुआगो इंसान थे। हम सबको बहुत ख्याल रखते थे और हमारे साथ सख्त रवैया कभी नहीं अपनाया, बावजूद तकलीफ़ और मुश्किल के अजीज़ों की खुशियों में शामिल होते थे। शहादत से एक रोज़ कबल बच्चों को सब्र, हिम्मत और खिलाफत से वाबस्तगी की तलकीन की। अल्लाह करे इनकी नस्लों में जारी रहे। ये बल्कि इनकी अहलिया ने जो मुझे ख़त लिखा उसमें यह भी लिखा कि उन्होंने लिखा कि मेरे मियाँ अक्सर मुझे ये कहा करते थे फिर मैं तनु याद आवांगा, यानी उनको पहले कुछ अपने बारे में था और आखिरी लम्हात में भी यही नसीहतें की कि मेरी वालदा का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। तो ये उनको तो खैर याद आएंगे लेकिन कुदूस शहीद के हम भी ये वादा करना चाहिए आले रब्बा को भी कि हम एहसान फरामोश नहीं हैं। यकीन उन्होंने बहुत ज़्यादा एहसान किया है जमात पर और मौसनों को जमात को भी भुलाया नहीं करती, हमें भी इंशाल्लाह याद रहेंगे हमेशा। फ़ोन पर भी मेरी बात हुई थी इनकी वालदा से भी, बूढ़ी हैं लेकिन बड़ी पुरान और कोई वो नहीं था। बच्चों से भी, बच्चे भी माशाल्लाह अपने गम के बजाय मेरा हाल पूछ रहे थे। इसराइलिया से बात हुई, वो भी बड़ी साबर शाकर थी। अल्लाह ताला इन सब को सब्र की तौफीक अता फरमाए और ख़ुद इनका हाफिज़ नासिर हो।
इनके बूढ़े वालदैन हैं, इनके वालिद तो यहाँ हॉलैंड में ही रहते हैं लेकिन वालदा वहाँ हैं, उनके अपने इनके साथ ही रहती थी कुदूस के साथ। इसी तरह इनकी अहलियाँ हैं, मैंने बताया। इसके अलावा एक बेटा है 14 साल, अब्दुस्सलाम, जो 8वीं क्लास का तालिब इल्म है। अब्दुल बासित 13 साल का, 7वीं क्लास में। अब्दुल वहाब 5 साल का, 1ली क्लास में। और एक बेटी अतियातुल कुदूस है 10 साल की, 4थी में है। अल्लाह ताला इन सब बच्चों का भी हाफिज़ नासिर हो। अभी नमाज़ जुम्मे के बाद इंशाल्लाह ताला इनका नमाज़ जनाज़ा गायब पढ़ाऊँगा। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ